सामने आ रही है सांबा से। आपको बता दें कि सांबा में जो है इंडस्ट्रियल एरिया में इनकम टैक्स विभाग की रेड चल रही है। ये अभी की बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है। आपको बता दें कि जिस तरह से सोर्सेज के हवाले से जो जानकारी मिल रही है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जो अधिकारी है वो यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया सांबा में पहुंचे हुए, और बताया जा रहा है कि कुछ इंडस्ट्रियल यूनिट में उनकी तरफ से जो वो रेड किया जा रहा है, तमाम रिकॉर्ड को जो वो खंगाला जा रहा है, रिकॉर्ड को चेक किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं टीमें तभी मौके पर पहुंचती है जब कुछ शिकायतें जो है वो इनकम टैक्स को लेकर उनको मिलती हैं। यानी कहीं ना कहीं रिकॉर्ड में जब अनियमितताएं होती हैं, डिस्पैरिटीज होती हैं, इरेगुलरिटीज होती हैं, उसके बाद जो है इस तरह की कार्रवाइयां हमें देखने को मिलती हैं। तो एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि सांबा के इंडस्ट्रियल एरिया फेस वन में जो है कुछ इंडस्ट्रियल यूनिट में जो है इस समय रेड जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से जारी है। क्या कुछ इसमें अपडेट सामने आती है इसको लेकर इंतजार किया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कुछ देर पहले बताया जा रहा है कि यहां पर इनकम टैक्स विभाग के जो अधिकारी हैं वो इंडस्ट्रियल यूनिट्स में पहुंचे हैं, और वो इस समय जो है कई अलग अलग एरियाज में उनकी तरफ से गश्त की जा रही है। उनके साथ पुलिस पार्टी भी साथ में है, और तमाम इस समय जिस तरह से बताया जा रहा है कि उनकी तरफ से इस कार्रवाई को अंजाम में लाया जा रहा है। क्या कुछ इसमें चीजें सामने आते हैं, क्या कुछ तथ्य सामने आते हैं, इसको लेकर इंतजार करना होगा। लेकिन तमाम ये जो जानकारी हम दे रहे हैं ये सूत्रों के हवाले से एक बड़ी जानकारी है कि यहाँ पर जो कंसर्न एजेंसी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जिक्र किया जा रहा है उनकी तरफ से यहाँ पर इंडस्ट्रियल यूनिट जो है सांबा में वहाँ पर रेड किया जा रहा है। ये इंडस्ट्रियल एरिया फेस वन है सांबा का। आपको मैं आगे की तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। ये इंडस्ट्रियल एरिया से हम आपको अपडेट कर रहे हैं, और एक बड़ी अपडेट जो है इस समय की सामने आ रही है सांबा से। यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया सांबा में इनकम टैक्स विभाग की रेड जो वो चल रही है, तमाम डिस्पैरिटीज इरेगुलरिटीज को लेकर जो अनियमितताएं होती उसी को लेकर ये जो रेड है ये की जा रही है, रिकॉर्ड को खंगाला जा रहा है, और हो सकता है कि रिकॉर्ड को साथ में भी जो अधिकारी यहां पर पहुंचे हैं वो रिकॉर्ड को साथ लेकर जाएं। लेकिन अभी फिलहाल टीमें अंदर जो वो तैनात हैं और अंदर जिस तरह से कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, तो कब तक ये रेड खत्म होती है इसको लेकर इंतजार करना होगा। क्या कुछ तमाम जानकारियां इस पूरे कार्रवाई को लेकर सामने आती है इसको लेकर इंतजार करना होगा। लेकिन एक बड़ी जानकारी है कि रिकॉर्ड में डिस्पैरिटीज के हवाले से बात करें तो उसी के बाद यहां पर जो इनकम टैक्स विभाग की रेड है वो जारी है। ये बड़ी जानकारी जो है ये सामने आ रही है, और बताया जा रहा है कि सुबह से ये रेड जो वो चल रही है, अब कब तक ये रेड खत्म होती है, क्या कुछ इसमें कार्रवाई में हमें देखने को चीजें मिलती हैं, इसको लेकर इंतजार किया जा रहा है। लेकिन अभी फिलहाल आपको बता दें कि कुछ इंडस्ट्रियल यूनिट जो है सांबा के वहां पर ये रेड लगातार जारी है, और इसी के साथ साथ इंतजार किया जा रहा है तो अपडेट का कि क्या कुछ चीजें सामने आए जिसके बाद ये जो रेड है वो की गई है, क्या कुछ इरेगुलरिटीज जो है वो रिकॉर्ड में पाई गई हैं। क्योंकि इनकम टैक्स की हम बात कर रहे हैं, इन्हें आयकर को लेकर जो कुछ चीजें जिसमें इरेगुलरिटीज होंगी उसी के बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। ये बड़ी जानकारी इस समय की सांबा से सामने आ रही कि सांबा के इंडस्ट्रियल एरिया फेस वन में इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है कंसर्न अथॉरिटीज एजेंसीज की तरफ से, और इसी को लेकर ये एक बड़ी जानकारी है कि जिस तरह से ये रेड जारी है तो क्या कुछ इस रेड में तथ्य तमाम जो चीज़ें सामने आती हैं जिसके बाद इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है इसको लेकर इंतजार करना होगा। अभी हम किसी तरह की कोई पुष्टि नहीं कर पाएंगे कि क्या कुछ यहाँ पर जो वो कार्रवाई को अंजाम में लाया गया, अमल में लाया गया है जिसके बाद ये तमाम कार्रवाई आज हमें देखने को मिल रही है विभाग की तरफ से, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, कि यहाँ पर जिस तरह से रेड लगातार जारी है। बड़ी जानकारी सांबा के इंडस्ट्रियल एरिया से, इंतजार करना होगा इस रेड को लेकर क्या कुछ और जानकारी